नमस्कार दोस्तों, नेहरा स्टडी हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं बलविंदर नेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि अपने वर्तमान भर्तियों के बारे में चर्चा करते रहते हैं, उसी कड़ी में कड़ी जोड़ते हुए आज अपनी बात करेंगे SSC फेस 11 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसके बारे में। तो अपनी बात करेंगे दोस्तों कि इसके SSC फेस 11 की जो शॉर्ट वीडियो से अपने डाल चुके थे कि इसकी भर्ती जल्द ही आने वाली है। बात करते इसके बम्पर भर्तियों के बारे में, अपने तो चर्चा की थी कि 2000 प्लस पोस्टें आने वाली हैं, लेकिन इसकी 5300 से 5400 पोस्टों के मध्य इसकी पोस्टें आई है। उससे पहले सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपनी जो राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बात करेंगे SSC फेस 11 की रिक्वायरमेंट 2023 की जो नई भर्ती आई उसके बारे में। टोटल ऑफ पोस्ट की बात करें इसमें दोस्तों, तो 5359 पोस्टें यानी लगभग 5400 पोस्टें इसमें आई हुई हैं। लगभग 5400 पोस्टें आई हुई हैं, किसी अलग अलग विभागों में ये पोस्टें हैं दोस्तों, अलग अलग विभागों में ये पोस्टें हैं। तो टाइप बात करें 549 टाइप की ये पोस्टें हैं, 549 जो विभाग हैं, विभागों में अलग अलग टाइप की ये पोस्टें आई हुई हैं 549 टाइप। किसी में तो कुछ क्वालिफिकेशन मांगी है, किसी में कुछ, सभी आगे अपनी बात करेंगे दोस्तों। टोटल पोस्ट की तो अपनी बात कर चुके हैं 5300 पोस्ट, लेकिन जो टाइप है दोस्तों वो टाइप है 549 पोस्टें हैं। दो फार्म है जो ऑनलाइन फार्म अप्लाई होंगे, फार्म के डेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन फार्म है, आप सभी अप्लाई अवश्य करें। 6 मार्च से लेकर 27 मार्च के मध्य ये फार्म अप्लाई होंगे। जैसे कि अपने शॉर्ट नोटिफिकेशन में देखा था, बताया था कि जल्द इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, फार्म भी अप्लाई होना प्रारंभ हो जाएंगे। उसी अनुमानित डेट के अनुसार जो 6 मार्च आ चुकी है इसकी अप्लाई की डेट और 27 मार्च है जो इसकी अंतिम तारीख है। दोस्तों, एज की अगर बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक इसकी है जो एज क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों। फिर बात करें रिलैक्सेशन की, तो OBC को 3 वर्ष की छूट और ST SC को 5 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की यही अपनी बात करें दोस्तों, तो हर विभाग में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी है, तो इसमें 10वीं पास वाला व्यक्ति है, जो 10वीं पास के जो स्टूडेंट है वह भी फार्म अप्लाई कर सकते हैं। +2 बेस वाले भी फार्म अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट वाले फार्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको बताया ना दोस्तों कि 549 टाइप की पोस्टें इसमें अलग अलग विभागों में, अलग अलग, किसी में 10वीं पास, किसी में +2 पास, किसी में ग्रेजुएट पास, इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है। अब बात करेंगे इसे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका जो एग्ज़ाम है SSC द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। दूसरी बात करेंगे तो CBT एग्ज़ाम यानी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड का एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। फिर इसकी बात करें कि इन्होंने इस बार तारीख भी बता दी है कि कब तक आपका जो एग्ज़ाम होगा। तारीख की अगर अपनी बात करें तो एग्ज़ाम है जो जून से जुलाई के मध्य मध्य हो जाएगा, जून से जुलाई के मध्य 2023 में इसका क्या एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मार्च, अप्रैल और मई 3 मंथ है, यानी आपके पास 90 दिन है इन SSC फेस 11 में जो भर्ती आई उनकी तैयारी करने के लिए। लगभग SSC है जो 60 दिन का समय देता है एग्ज़ाम में, लेकिन इस बार आपको 90 दिन से भी ज़्यादा का समय आपको दिया गया है। तो आप सभी अभी से तैयारी में अपनी जुड़ जाइए, क्योंकि जून से जुलाई के मध्य मध्य इन्होंने एग्ज़ाम की जो तारीख है वो दे दी है कि इसका जो एग्ज़ाम है इस तारीख के मध्य मध्य हो जाएगा। फिर अपने बात करें कि फीस की, इसकी जो फीस है दोस्तों, फीस क्या रहेगी। फीस की अगर बात करें, जनरल और OBC की फीस है 100 रुपये, मात्र 100 रुपये फार्म फीस रहेगी, और ST SC EWS की बिल्कुल निल रहेगी, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिएगा फार्म का। फिर अगर अपन ये बात करेंगे कि एग्ज़ाम होगा, एक तो एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट इसमें दिए जाएंगे, एग्ज़ाम की अगर बात करें तो टोटल अगर क्वेश्चन बात करें तो टोटल होंगे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन क्या होगा 2 नंबर का होगा। अगर इसमें टाइमिंग की बात करें तो आपको 100 क्वेश्चन में 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। यही नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50 यानी एक नंबर, एक पर क्वेश्चन है 2 नंबर का और 0.50 इसमें अगर आपकी गलत होंगे तो काट लिए जाएंगे, यानी 1/4 की जो है जो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी।
बात करेंगे अगर एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट क्वेश्चन और मार्क्स की अपनी बात करेंगे। सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंसी में 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन दो नंबर का। फिर जीके की बात करें तो इसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के। फिर बात करेंगे मैथ की, 25 क्वेश्चन और 50 नंबर के दोस्तों। फिर इंग्लिश की बात करेंगे, 25 क्वेश्चन हैं वो भी 50 नंबर के आएंगे। देखिए दोस्तों, इसके बारे में अपने संपूर्ण चर्चा की, SSC फेस 11 की जो 5400 के लगभग पोस्टें आई हुई हैं उनके बारे में अपनी चर्चा की। अभी भी आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, आगे वैसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।